हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में वही हम सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश सीखने वाले हैं और एक होटल में किस तरह से बात की जाती है, क्या क्या सीन आ सकते हैं, आज आपको वो चीज़ देखने को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, चीज़ें कुछ नई आपको सीखने को मिलेंगी। आप चाहे तो कोई नोटबुक अपने पास रख के बैठ सकते हैं कि जो भी आपको चीज़ काम की लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन में उस चीज़ को ऐड कर सकें। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, क्या आपके पास एक खाली सिंगल कमरा है? ठीक है, आप सिंगल कमरा मतलब सिंगल बेड वाला, तो सिंगल रूम ही बोलते हैं या फिर डबल रूम बोलते हैं कि डबल बेड और सिंगल बेड वाले कमरों को होटल की लैंग्वेज में। ठीक है, अब सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आप रखते हैं। तो मैंने वही चीज़ बताई, कोई चीज़ मेरे पास है या फिर मैं कोई चीज़ रखता हूँ, ये सेंटेंस में हैज़ हैव लगता है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं, क्योंकि जब हैज़ लगा हुआ है ना तो वो बेसिकली हैव के अंदर छुपा हुआ डज होता है, तो वो हैज़ बन जाता है। तो क्या आप के पास एक खाली सिंगल कमरा है, मतलब क्या आप एक खाली सिंगल कमरा रखते हो अभी, वो बात चल रही है। तो सेंटेंस समझ में आ गया, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, सो क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि सवाल है हाँ या ना वाला। सो रूल क्या बोलता है हमारा, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन है, कमरा है, कमरा रखते हो, एक्शन वो है। ठीक है, मतलब हैज हैव। तो क्या आपके पास एक खाली कमरा है, डू मेन वर्ड, यू डूअर, हैव, डू यू हैव अ वेकेंट सिंगल रूम। अब देखिए, हम वैकेंसी बोलते हैं ना कि जॉब की वैकेंसी, मतलब कहीं पे जॉब की पोजीशन खाली है, सो खाली को हम बोलते हैं वैकेंट। ठीक है, सो डू यू हैव अ वेकेंट सिंगल रूम, कि क्या आपके पास एक खाली सिंगल कमरा है। यहां पे बोला आप कमरा कब बुक करना चाहेंगी। ठीक है, तो एक बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज है, विल की जगह हम वुड का यूज करेंगे, विल की बाद में जब भी हम बहुत फॉर्मल जाते हैं वुड का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जब आप ऐसे मान के चलो कि आप एक ऑप्शन जब देते हो, आप किसी ऑप्शन के बारे में पूछते हैं तो आप वुड का यूज करते हो। जैसे आपने केबीसी में सुना भी होगा कि आई वुड चूज ऑप्शन बी, कि मैं ऑप्शन बी चुनूंगा, तो विल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन की कुछ बात चल रही है, तो ऑप्शन की बात में हम वुड का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ विल। तो आप कमरा कब बुक करना चाहेंगी, तो एक तमीज वाली भी चीज आ गई और एक ऑप्शन वाली भी चीज है, इसलिए यहाँ पे वुड है। विल लगा देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो थोड़ा कैजुअल सा हो जाता। सो व्हेन वुड यू लाइक, क्योंकि लाइक का यूज करना, वेल विल यू लाइक ये नहीं बनता। सो व्हेन वुड यू लाइक टू बुक अ रूम, ठीक है, बुक द रूम। सेंटेंस वुड वाला हुआ, फ्यूचर का है, और यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है और उस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, कब। मेन वर्ड हमने यहाँ यूज किया है वुड, डूअर कौन है आप। ठीक है, एक्शन क्या है, रूम बुक करना चाहना। सो व्हेन वुड यू बुक द रूम, जब तमीज के साथ व्हेन वुड यू लाइक टू, पसंद करेंगे आप, करना चाहेंगी। सो व्हेन वुड यू लाइक टू बुक द रूम, आप रूम कब बुक करना चाहेंगे। इसने बोला बिल्कुल अभी, जस्ट नाउ भी बोल सकते हैं, और राइट अवे। ठीक है, जस्ट नाउ और राइट अवे आपको सेम सेंस लेकर चलेगा। सो राइट अवे, बिल्कुल अभी। सो आप कमरा कब बुक करना चाहेंगी, व्हेन वुड यू लाइक टू बुक द रूम, राइट अवे, बिल्कुल अभी। अब ये कह रहा है क्षमा करें, हमारे पास इस समय हमारे पास केवल डबल कमरा खाली है, मतलब वही कि डबल बेड वाला कमरा खाली है। तो जो पहला है क्षमा करें, इसके लिए तो सॉरी लग गया, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, क्षमा करें, सॉरी। हम अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इस समय हमारे पास केवल डबल कमरा खाली है, मतलब हमारे पास सिर्फ डबल कमरा खाली है इस समय, ऐसे बनेगा। ठीक है, सो हमारे पास कोई चीज है, फिर वही आ गया कि हैज हैव वाला मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डस। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। डूअर कौन है, हम, किसके पास है, हमारे पास, वी, फिर डू आता और फिर हैव आता। ठीक है, वी डू हैव, लेकिन सिंपल में डू छुपेगा हैव के अंदर और वो हैव ही रहेगा। अगर यहां पे ही होता कि ही डज हैव, ये नहीं आता, फिर डज छुप जाता, हैव के अंदर हैज बन जाता, नेगेटिव होता तो डज बाहर निकल के हैव बन जाता, ही डज नॉट हैव। लेकिन यहां पे वी हैव, हमारे पास है, ओनली डबल रूम, सिर्फ डबल रूम वैकेंट, खाली, एट द मोमेंट, मतलब इस समय, इस क्षण में, इस मोमेंट में। सो वी ओनली हैव, या फिर वी हैव ओनली डबल रूम वैकेंट एट द मोमेंट, इस समय हमारे पास केवल डबल कमरा खाली है, डबल रूम वाला खाली है। इसने बोला कोई बात नहीं, मैं डबल रूम ले लूंगी। कोई बात नहीं किया मतलब नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एन इश्यू, आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो,
नो प्रॉब्लम, मैं डबल रूम ले लूंगी। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका यहाँ पे आई वुड लाइक टू भी बोल सकते थे, लेकिन इसको इतना तमीज में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो कस्टमर है। सामने वाला जो बंदा है वो हॉस्पिटैलिटी से है, वो तमीज से बोलेगा वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, इस तरीके से। लेकिन इसने यहाँ पे बोला मैं डबल रूम ले लूंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस और वो भी बिल्कुल सिंपल, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, कौन लेगा, मैं, आई, मेन वर्ड क्या है, विल, एक्शन क्या है, लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में देखो जो एंड में आता है ना मोस्टली वही एक्शन होता है, तो हिंदी में एंड में आ रहा है लूंगी, सो मतलब टेक, सो आई विल टेक, मैं लूंगी द डबल रूम, डबल रूम, ठीक है, सो मैं डबल रूम ले लूंगी, तो इस ले के लिए अलग से कुछ नहीं लगाना होता, सो आई विल टेक द डबल रूम, मैं डबल रूम ले लूंगी, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है एक दिन के 280 लगेंगे डबल के, अब ये एक बहुत अच्छी चीज है सीखने वाली, डबल रूम विल कॉस्ट यू 280, ऐसे बोल सकते हो, अ डबल कॉस्ट के अंदर एस क्यू लगा हुआ है, डस्ट छुपा हुआ है, सो अ डबल कॉस्ट मतलब वो इतनी कीमत रखता है, ठीक है, उसकी इतनी कीमत है, अ डबल कॉस्ट 280 रुपी, जैसे हम किसी को पूछते हैं ना कि भाई इसके कितने पैसे हुए, सो मतलब ये कितने, इसके पैसे कितने हैं, ये कितनी कीमत, क्या कितनी कीमत है इसकी, सो हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ऐसे हम पूछते हैं। अगर उसको मैंने सवाल की जगह एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, सो इट कॉस्ट कि वो कीमत रखता है, तो कॉस्ट के अंदर डस्ट छुप के एस बन जाएगा, तो एक दिन के 280 लगेंगे डबल के, मतलब इसकी कीमत इतनी है, अ डबल कॉस्ट 280 अ डे, या फिर पर डे भी आप बोल सकते हो कि एक दिन का या प्रतिदिन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा ये तो बहुत महंगा है, ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये तो बहुत महंगा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, सो ये तो बहुत महंगा है, तो इसका रूल क्या होता है हमेशा, अगर सिंपल प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव ना क्वेश्चन, तो किसकी बात हो रही है, फिर हमारा मेन वर्ड और फिर उसकी क्या स्टेट है, सो ये तो बहुत महंगा है, यहां किसकी बात हो रही है, ये की, दैट, फिर क्या लगेगा, मेन वर्ड इज, एम आर होते हैं, दैट के साथ लगेगा इज, दैट इज, बहुत, अब वो क्या है, बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, रियली एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव, कुछ भी आप लगा सकते हो, दैट्स सो एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है, इस तो के लिए कुछ नहीं लगाना है, जो ये तो के बाद, ये के बाद जो तो आ रहा है इसके लिए कुछ नहीं लगाना है, दैट इज सो एक्सपेंसिव, मेरे घर में बाढ़ आ रही है, ठीक है, सो फ्लड इज कमिंग इन माई हाउस, नहीं फ्लड नहीं, ऐसे नहीं, बाढ़ नहीं आ रही है, तो मतलब माई हाउस इज फ्लडिंग, मेरा घर बह रहा है, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, या फिर आप इसमें देयर का यूज कर सकते थे, ठीक है, देयर का यूज कि किसी चीज के एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात चले, मेरे घर में बाढ़ आ रही है, सो देयर इज फ्लड इन माई हाउस, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, सो माई हाउस इज फ्लडिंग, ये मैंने ऐसे बना दिया कि मेरा घर बाढ़ में बह रहा है, माई हाउस इज फ्लडिंग एंड आई डोंट हैव मच मनी, ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मेरे पास कोई चीज है नहीं है, वही आपके हैज हैव मतलब डू डज वाले, अगर डू छुपा हुआ है तो हैव का हैव, डज छुपा हुआ था हैव का हैज, ठीक है, सो आई की बात चल रही है यहाँ पे, डू लगेगा और दूसरा नेगेटिव है, मेरे पास नहीं है, सो आई डू नॉट, ठीक है, सो मेन वर्ड डूअर, नॉट और एक्शन, यहाँ पे एक्शन क्या है, पास होना, एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पे एक्शन है पास होना, ऐसी चीजों में हैव हैज जो होते हैं वो एक्शन के तौर पे काम आते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड क्या है, डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, हैव, ठीक है, कि नहीं है, पास होने वाली बात, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है मच मनी, इतने पैसे, ठीक है, दैट मच, दैट अमाउंट ऑफ मनी, आप दैट अमाउंट ऑफ मनी भी लगा सकते हो कि इतने पैसे, इतनी कीमत के पैसे, ठीक है, ये तो बहुत महंगा है, मेरे घर में बाढ़ आ रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, दैट सो एक्सपेंसिव, माई हाउस इज फ्लडिंग, आई डोंट हैव मच मनी। अब यहाँ पे क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं, अब सकता है, सकती है, कैन वाला सेंटेंस है, समझ में आ रही है, सेकेंड सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, ठीक है, सो रूल क्या कहता है हमारा, जब ऐसा सवाल हो हाँ या ना वाला, सो सबसे पहले मेन वर्ड डूअर और एक्शन, ये रूल होता है हमारा, सो मेन वर्ड क्या होगा यहाँ पे, कैन, कैन, डूअर कौन है, क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं, तो यू, कैन यू, एक्शन क्या है, देना, ठीक है, सो कैन यू गिव, अब क्या दे सकते हैं, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये कह रहा 200 कैसा रहेगा,
इस चीज को जब भी आप बोलो ना कि ये कैसा रहेगा, सो हाउ अबाउट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारा प्लान बना कि हिमाचल चलते हैं, मनाली चलते हैं, केरला चलते हैं, और मैं बोलूँ कि आप गोवा कैसा रहेगा, सो हाउ अबाउट गोवा, ठीक है, गोवा कैसा है, इस तरीके से कि गोवा का कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोवा, ठीक है। या फिर आप ऐसे क्या वॉट अबाउट का जब यूज करते हैं ना, वॉट अबाउट ये भी होता है, वॉट अबाउट में होता है कि उसका क्या, वॉट अबाउट का यूज इस तरीके से होता है। जैसे कि हमने प्लान बना रहे हैं कि मैंने बोला कि पार्टी में ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा, और किसी ने मुझे बोला कि रोहन का क्या, सो वहां पे वॉट अबाउट होगा। अगर रोहन को ऐड करने के लिए वो मुझे बोल रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि इस पार्टी में मैं उसको लूंगा, इसको लूंगा, उसको, हाउ अबाउट रोहन, रोहन को भी ले लेते हैं ना, वहां पे उस चीज में है कि सजेशन में। लेकिन जब मुझे पूछना हो कि उसका क्या भाई, उसका कैसे, तो वहां पे वॉट अबाउट, वॉट अबाउट हिम, वॉट अबाउट हिम, तुम उसको ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे। सो यहाँ पे ये इस तरीके से एक ऑप्शन रख रहा है कि 200 कैसा रहेगा, सो हाउ अबाउट 200। उसने कहा बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कुछ भी लगा सकते हो। क्या मुझे आपका नाम और फोन नंबर मिल सकता है प्लीज, ठीक है। अब यहां पे वही वाली चीज, सकता है, सकती है, कैन का यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको बहुत फॉर्मली जाना है, जैसे एक यहां पे एक होटल की लैंग्वेज चल रही है, हॉस्पिटैलिटी की लैंग्वेज चल रही है, सो यहां पे आप कैन की जगह मे का यूज करते हैं, माइट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा कि आपको किसी ने किडनैप कर रखा है, आप रिक्वेस्ट मांग रहे हो, वहां पे माइट, लेकिन आपको थोड़ा फॉर्मल जाना है। जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना कैन आई कम इन, नहीं बोलते हम मे आई कम इन, क्योंकि वहां पे हमें थोड़ा तमीज से बात करनी होती है। सो यहां पे ये उसी तमीज के चक्कर में कैन की जगह मे का यूज किया गया है। सो क्या मुझे आपका नंबर, आपका नाम और नंबर मिल सकता है, ठीक है, तो कोई चीज मेरे पास हो सकती है, तो वही हैव का यूज होगा। सो कैन आई गेट लगा सकते हो, कैन आई हैव लगा सकते हो, आपकी कॉल है कि मिलने के लिए, आपको मैंने गेट का यूज भी बताया, गेट भी लगा सकते हो कि मे आई गेट योर नेम, ठीक है, लेकिन गेट का भी थोड़ा एक फॉर्मल लैंग्वेज हैव है। मे आई हैव, क्या मैं, क्या मुझे मिल सकता है, मे आई हैव योर नेम, आपका नाम एंड फोन नंबर प्लीज, कि क्या मुझे आपका नाम और फोन नंबर मिल सकता है प्लीज, मे आई हैव योर नेम एंड फोन नंबर प्लीज। ये कह रहा है बहुत अच्छा, तो कल मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, इसके लिए वेरी वेल, ठीक है। अभी जो देन लगाया है ना मैंने, ये मैंने इस तो के सेंस के लिए लगाया है, तो कल मिलते हैं, कॉमा गलत लगा हुआ है इसमें, कॉमा लगना चाहिए था वेरी वेल के बाद देन सी यू लेटर, या फिर सी यू टुमारो, सी यू टुमारो देन, आप देन इस सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं, तो फिर वाला सेंस लेकर चलेगा, कल मिलते हैं तो फिर, ठीक है, सी यू टुमारो देन। सो मिलने के लिए मैंने बताया हुआ है, सी का भी यूज किया जाता है, ठीक है, आई केम हेयर टू सी माई अंकल, मैं यहाँ अपने अंकल से मिलने आया, ऐसे, ठीक है। सो सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, कल मिलेंगे। अब ताहे तीहे वाला सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस पूरा नहीं है, आई विल सी यू टुमारो ऐसे बनता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं है, ये शॉर्ट सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इसका पूरा बनाओगे तो ताहे तीहे आ रहा है, लेकिन कल मिलने की बात हो रही है ना, तो ये फ्यूचर का, अगर इसका पूरा बनाओगे ना, तो फिर मैं आपसे कल मिलता हूं, आई विल सी यू टुमारो देन, या फिर देन आई विल सी यू टुमारो, तो विल लगेगा, ठीक है। सो यहां पे शॉर्ट में रख दिया, तो कल मिलते हैं, सी यू टुमारो देन, या फिर देन सी यू टुमारो, तो फिर कल मिलते हैं। कह रही है नहीं अभी, नो नाउ, इसने बोला अभी, यहां बेशक बेशक, इसको याद आया है ना, इसने अभी के लिए बोला था, नाउ ऑफ कोर्स आज रात मिलते हैं फिर, ठीक है। अब यहां पे भी देखो, फिर एंड में आ गया, सो वही सी यू टुनाइट देन, ये भी आधा सेंटेंस है, पूरा नहीं है। सो वी विल मीट टुनाइट देन, या फिर आई विल सी यू टुनाइट देन, इस तरीके से बनता, लेकिन शॉर्ट में रखा गया है, आज रात मिलते हैं फिर, सी यू टुनाइट देन, ठीक है। जैसे किसी को मैं बोलूँ ना कि पार्टी में मिलते हैं, सो सी यू इन दी पार्टी, सी यू एट दी पार्टी, इस तरीके से, ठीक है। सी यू इन दी क्लास, क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सी यू एट स्कूल, स्कूल पर मिलते हैं, ऐसे। अभी कह रहे मेरा नाम अमली है, मेरा एक आरक्षण है। अब देखो आरक्षण के का जो मतलब है ना, मतलब रिजर्वेशन, जो होटल में हम बुकिंग कराते हैं तो उसको हम रिजर्वेशन ही बोलते हैं, जैसे आप ट्रेन में कराते हैं, कहीं भी कराते हैं। सो पहला जो है, मेरा नाम अमली है, ठीक है, ये तो सिंपल ही है, माय नेम इज अमली। अब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का सिंपल है, तो पहले किसकी बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड आएगा, और फिर उसकी क्या स्टेट की बात चल रही है। सो मेरा नाम अमली है, किसकी बात चल रही है, मेरे नाम की, माय नेम, फिर आएगा उसके बाद इज, अब वो क्या है, एमली है, माय नेम इज एमली, ठीक है। मेरा एक आरक्षण है, मतलब अब मेरा कुछ है, तो वही हैज हैव डू डज वही वाला। सो आई हैव अ रिजर्वेशन, नेगेटिव होता आई डोंट हैव, तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब डू डज ही है, लेकिन डू छुपा हुआ है हैव के अंदर, इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा। आई हैव अ रिजर्वेशन, मेरा एक आरक्षण है।
अब ये कह रहा है ये रही आपकी चाबी। अब हम जिस अब जब ऐसे कभी बोले ना, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि योर की इज हेयर, लेकिन ऐसी जगह पर हम हेयर को पहले लगाते हैं, वो एक बहुत फॉर्मल तरीका आता है, हेयर इज योर की, ठीक है, आपकी चाबी यहाँ है, ये रही आपकी चाबी। अगर आपको किसी को मान लीजिए किसी ने बोला कि कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आप एक ग्लास पानी लेकर आएंगे मेरे लिए, आप जब पानी उनको देंगे ना तब भी आप इसको बोलो हेयर, सिर्फ इतना बोलो कि ये लीजिए, बस ये लीजिए वाला सेंस हेयर लेकर चलता है। सो ये रही आपकी चाबी, लीजिए आपकी चाबी, हेयर इज योर की, ये रही आपकी चाबी। आपका कमरा चौथी मंजिल पर है, नंबर 403, तो आपका कमरा चौथी मंजिल पर है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन है ही नहीं, तो वही रूल लगेगा कि पहले किसकी बात चल रही है, मेन वर्ड, और उसकी क्या स्टेट है, किसकी बात चल रही है, आपका कमरा, योर रूम, सिंगुलर है इज, अब कहाँ है वो, ऑन द फोर्थ फ्लोर, योर रूम इज ऑन द फोर्थ फ्लोर, नंबर 403, आपका कमरा चौथी मंजिल पर है, नंबर 403, ठीक है। अब ये कह रहा है माफ करना, मतलब आई एम सॉरी, माफ करना, लेकिन लिफ्ट टूटी हुई है। अब वही लिफ्ट टूटी हुई है, किसी के कंडीशन की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है, सो बट लगा दिया, लिफ्ट टूटी हुई है, तो क्या है, किसकी बात चल रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी क्या स्टेट है, द एलिवेटर लिफ्ट, इसकी बात चल रही है, सिंगुलर है इज, क्या स्टेट है उसकी, ब्रोकन, अब हुई हुई, ठीक है, सो ब्रेक नहीं आएगा, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म लगेगी, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, दीवार पेंट हुई हुई है, सो द वॉल इज पेंटेड, दिस इज नॉट पेंट, पेंट इज जो इस पे किया गया है, ठीक है, लेकिन द वॉल इज पेंटेड, ऐसे ही द एलिवेटर इज ब्रोकन, कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट को वहां पे एलिवेटर भी बोलते हैं, ठीक है, सो द एलिवेटर इज ब्रोकन, कि लिफ्ट जो है वो टूटी हुई है। अब देखिए, यू कैन टेक द स्टेयर्स, ठीक है, एक तो ये हो गया, यहाँ पे तो मैं कैजुअल तरीके से किसी को बोल रहा हूँ कि आप सीढ़ियाँ ले सकते हैं, एक बहुत ही तमीज के साथ जाना हो ना, सो वहाँ पे मस्ट, कि आप आपको सीढ़ियाँ लेनी चाहिए, आपको सीढ़ियाँ लेनी होंगी, सो यू मस्ट, हम वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, यू मस्ट टेक द स्टेयर्स, आपको सीढ़ियाँ लेनी चाहिए, ठीक है, ऐसे, हैव टू, नीड टू, ये जो चीज़ें हैं ये तो हम बहुत कैजुअल में आते हैं। अगर यहाँ पे ये बोलता है कि यू विल हैव टू टेक द स्टेयर, मतलब एक मजबूरी में थोप रहा हूँ तुझ पे, ऐसे भी नहीं बोल सकता मैं, यू नीड टू, मैं एक कैजुअल अप्रोच दिखा रहा हूँ कि आपको सीढ़ियाँ लेने की जरूरत है, आपको सीढ़ियाँ लेनी चाहिए, वो भी नहीं है, मैं वहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार देखो एलिवेटर खराब है, यू मस्ट टेक द स्टेयर्स, आपको सीढ़ियाँ लेनी होंगी, रिक्वेस्ट वाली बात चल रही है, ठीक है, कि आप सीढ़ियाँ ले सकते हैं, सो यू, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए मेरी कोई पार्टी चल रही है, मैं उसका होस्ट हूँ पार्टी का, और वहाँ पे कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, अब मुझे उनसे तमीज से बोलना है कि यार चुप रहो, सो मैं वहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल सकता यू वुड हैव टू, यू विल हैव टू शट अप, ठीक है, यू नीड टू शट अप, या फिर यू नीड टू, यू नीड नॉट टू स्पीक, ये थोड़ा ना एक ऐसा लगेगा कि थोड़ा बदतमीजी सा, अगर मैं तमीज से बोलूँ यू मस्ट नॉट स्पीक दैट मच, कि यार इतना मत बोलो, इतना नहीं बोलना चाहिए, इतना नहीं बोलना सही तुम्हारे लिए, तो ऐसे मस्ट का यूज है, सो यू मस्ट टेक द स्टेयर्स, आपको सीढ़ियां लेनी होंगी। मुझे अपना कमरा नहीं मिल रहा, अब ये जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, रहा है रही है के लिए, मिलने के लिए, कि आप अगर गेट का यूज मिलने के लिए करो, और रहा है रही है के सेंस में, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना चाहो बना सकते हो, कि आई एम नॉट गेटिंग माई रूम, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और तरीका है यहाँ पे सिंपल सा, आई कैन नॉट फाइंड माई रूम, मुझे अपना रूम नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं खेल पा रहा, सो आई कैन नॉट प्ले, ठीक है, तो वो वाला सेंस आएगा, सो आई कैन नॉट फाइंड माई रूम, मैं अपना रूम नहीं ढूंढ पा रही हूँ, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो कि आई एम नॉट गेटिंग माई रूम, मुझे अपना रूम नहीं मिल रहा है, दोनों तरीके बिल्कुल सही है, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से ही बन जाएगा, और सकता है सकती है कैन से भी बन जाएगा, सो रूल मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या रूल लगा, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, सो आई मेन वर्ड कैन, फिर नॉट एक्शन क्या है, ढूंढना, मिलना, आई कैन नॉट फाइंड माई रूम, कि मैं अपना रूम नहीं ढूंढ, मतलब रूम नहीं ढूंढ सक पा रही हूँ, वो वाला। ये कह रहा है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मेरे पीछे आओ, अब ये सेंटेंस है, मेरे पीछे आओ का मतलब जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, सिंपल फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, नेगेटिव होगा तो डोंट फॉलो मी, यहाँ पे फॉलो के अंदर डू छुपा हुआ है, ठीक है, कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ये रहा आपका कमरा, अब फिर वही चीज, जैसे मैंने बोला ना कि किसी को मैंने ग्लास ला के दिया पानी का, और मैं तमीज से बोलूं कि हेयर, अगर मैं बोलूं ये रही आपकी कॉफी, हेयर इज योर कॉफी, तो ये रहा आपका कमरा, हेयर इज योर रूम, अगर मैं बोलूं योर रूम इज हेयर,
ऐसा सही मिलता है एक तमीज के साथ, हॉस्पिटैलिटी में यही चीज चलती है। सर हेयर इज योर कॉफी, सर हेयर इज योर ऑर्डर, ऐसे हम बोलते हैं। योर ऑर्डर इज हेयर, ये नहीं। जब हम किसी को कुछ जो उसने ऑर्डर दिया है खाने का, हम जब बोलते हैं सर हेयर इज योर ऑर्डर, हम इस तरीके से बोलेंगे। अब इसने पूछा कैसा लगा आपको, ठीक है, ऐसे इस चीज को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ डू यू लाइक इट, ये चीज मैंने पहले ही बताई थी कि तुम इस चीज को किस तरह से देखती हो, इस चीज को देख के कैसा लगा। सो हाउ डिड यू लाइक इट, या फिर हाउ हाउ डिड यू फाइंड इट, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ वाई नहीं है, वाई डू यू थिंक, नहीं यहाँ पे वाई नहीं है, वॉट आएगा, ठीक है। सो वॉट डू यू थिंक, मतलब क्या सोचते हो आप इसको देख के, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए कोई रिपोर्ट बनाई कोई अच्छी सी, और मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि सर ये देखो मैंने रिपोर्ट बनाई है, अब वो उसको देख के पूरा देख लिया, फिर मैं बाद में सर वॉट डू यू थिंक, मतलब आप क्या सोचते हो, कैसा लगा आपको, ऐसे। सो यहाँ पे हाउ अगर मैं बोल दूंगा सर हाउ डू यू थिंक, अरे दिमाग से ही सोचते हैं, ठीक है, ऐसी वो वाला सेंस आ जाएगा। या तो मैं पूछूंगा सर हाउ डू यू लाइक इट, मतलब आपको ये कितना पसंद आया, इस तरीके से, या फिर व्हाट डू यू थिंक सर, आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है ये। सो कैसा लगा आपको, व्हाट डू यू थिंक। अगर आपको कुछ चाहिए, अब फ्यूचर की बात चल रही है, और अगर लग गया, सेंटेंस कैसे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, कि अगर आपको आपको चाहिए होता है, अगर आपको कुछ चाहिए होता है, सो इफ यू नीड, अगर आपको कोई जरूरत होती है, इफ यू नीड एनीथिंग, किसी भी चीज की, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना, इफ यू नीड एनीथिंग, अगर आपको कोई चीज की जरूरत होती है तो मुझे कॉल करना। देन लगा सकते हो इस तो के लिए, क्योंकि तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आप इसके लिए देन लगा सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। सो इफ यू नीड एनीथिंग, अगर आपको कुछ चाहिए, देन कॉल मी, या फिर सिंपल कॉल मी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना, इफ यू नीड एनीथिंग कॉल मी। अब इसके पास फोन आया और उसने बोला मुझे आपकी मदद चाहिए, ठीक है, अब मुझे आपकी मदद चाहिए। सो मतलब मैं आपकी मदद की जरूरत रखती हूँ, कि मुझे वो कोई चीज चाहिए। सो यहाँ पे जो चाहिए है, ये चाहिए वो वाला नहीं है कि आपको ये करना चाहिए, तो वो तो शुड वाला हो गया, यहाँ पे जरूरत वाला है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, ठीक है। सो आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, तो इसमें डू ही लगा हुआ है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सो आई नीड योर हेल्प, अगर नेगेटिव बनाओगे आई डोंट नीड योर हेल्प, ठीक है। सो यहाँ पे डू छुपा हुआ है, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं आपकी मदद की जरूरत रखती हूँ, आई नीड योर हेल्प। हीटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इस तरह जब काम नहीं कर रहा ना, पंखा काम नहीं कर रहा है, हीटर काम नहीं कर रहा है, या तो द हीटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, द हीटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब वो भी होता है कि काम नहीं कर रहा, खराब है कोई चीज, तो यहाँ पे तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि हीटर खराब है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट में, द हीटर इज कि क्या है, द हीटर, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसकी क्या स्टेट है कि वो खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे जब तुमने बोला हीटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बना देते हैं, कौन काम नहीं कर रहा है, द हीटर, फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर नॉट, द हीटर इज नॉट, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम करने को वर्क बोलते हैं, द हीटर इज नॉट वर्किंग। ऐसी कोई भी चीज हो कि यार ये फोन ना काम नहीं करता, सो दिस फोन डजंट वर्क, ठीक है, ये पंखा खराब है काम ही नहीं करता, सो दिस फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस फैन डज नॉट वर्क, ऐसे। सो हीटर काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, द हीटर इज नॉट वर्किंग। ये कह रहा है मैं अभी वहां आता हूं, अब इसको हम कैसे बोलेंगे, आई कम हेयर राइट नाउ, एक तरीका तो ये हो गया, मतलब आई विल कम हेयर राइट नाउ। अब जब मैं ताहे तीहे लगाया ना, तो इस ताहे तीहे का सेंस आप समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, मैं अभी वहां आता हूं, इसका जनरल काम नहीं है ये, ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं आप देखते हो, तो ये इसने फ्यूचर के लिए ही बोला है कि मैं अभी आता हूं। जैसे मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है बुजुर्ग, उसके हाथ से कुछ गिर गया और वो झुक के उठा रहे हैं, मैं बोलूँ कि आप रुक जाओ मैं उठा देता हूँ, तो मतलब मैं उठाऊंगा फ्यूचर में, लेकिन मैंने ताहे तीहे लगाया, तो ऐसी चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है। सो मैं अभी वहां आता हूं, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि आई विल बी लाइक आई विल कम देयर राइट नाउ, एक तरीका तो ये हो गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया कि आई विल कम देयर राइट नाउ, मैं अभी वहां आता हूं। दूसरा तरीका हो गया ये वाला कि मैंने इसको सिंपल फ्यूचर में रखा कि मेरी फ्यूचर में ये कंडीशन होगी। ऐसी चीजों में अगर मैं फ्यूचर का सिंपल बनाता हूं जहां पे एक्शन नहीं रखता, वहां पे विल बी का यूज होता है। सो कौन होगा, किसकी बात चल रही है, पहले वो कि किसकी बात चल रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी स्टेट क्या होगी, मैं अपनी बात कर रहा हूं आई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, मैं वहां होऊंगा,
सो आई विल बी देयर राइट नाउ या फिर आई विल बी राइट देयर. सो आई विल बी राइट देयर बहुत यूज किया जाता है कि मैं अभी वहां होऊंगा, मैं अभी वहां आता हूँ. ठीक है, जैसे कि मैं अपने दोस्त को बोलूँ कि तो 7:30 बजे तक पार्टी में पहुंच जाना, आई विल बी देयर बाय दैट टाइम, मैं उस टाइम तक वहां पे होऊंगा. ठीक है, मैं वहीं मिलूंगा तुझे. ठीक है, तो मैं वहां अभी आता हूं, या तो ये सेंस है कि आई विल कम देयर राइट नाउ, या फिर आई विल बी राइट देयर, या फिर आई विल बी देयर राइट नाउ. जो आपको सही लगे आप उनमें से बना सकते हो. अभी देखो क्या हुआ, क्या हुआ के लिए हम बोलते हैं व्हाट हैपेंड. सिंपल है, सबको पता है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. लेकिन जब भी कोई भी चीज खराब सिचुएशन में हो ना, कि अगर आपको पता है जैसे मारपीट होगी कहीं पे, क्लास में बहुत शोर हो गया, ठीक है, क्लास में लड़ाई हो गई किसी की, वहां पे आके व्हाट हैपेंड की जगह आप बोल सकते हो व्हाट इज रॉन्ग. तो व्हाट इज रॉन्ग मतलब क्या गलत है. तो सिंपल प्रेजेंट ही सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड डूअर और क्या चीज है. सो व्हाट इज रॉन्ग, ये चीज आप तब बोलोगे क्या हुआ वाले सेंस में, जब कोई चीज खराब वाली चीज चल रही होगी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, तो मैं वहां बोलूँ व्हाट इज रॉन्ग, तो मतलब क्या हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे हीटर खराब चल रहा है वो वाला सेंस है, तो इसने उस सेंस में आके बोला व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग. ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस. आई होप वीडियो में आपके लिए काफी यूजफुल चीजें मिलेंगी आपको. अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए. अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.